बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बस से बैठ जाओ ना, रुके पहले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डर लग रहा है मम्मा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। यस मामा, वेयर इज योर मॉम। तो भाई इसकी मामा जो है वो लेटी हुई है, तो इसको जो है मामा दिख नहीं रही थी, इसलिए बुलाने के लिए जा रही थी कि मामा किधर है। शरारती ए? तो भाई आज जो है दरअसल बात ये है कि वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे में हमने सोचा कि आज निदा को थोड़ा सरप्राइज देते हैं वैलेंटाइन डे का, तो बेबी की तरफ से और डैडी की तरफ से निदा के लिए वैलेंटाइन डे है, जो कि उसको याद रहेगा, सारी जिंदगी याद रहेगा। यस, मजा आएगा ना बेबी। तो चलो चलते हैं, निदा से बात करते हैं, उसको दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज था, उसको कैसा लगा। तो चलें पूछते हैं उससे, चले चले। मुकद्दस मामा को बुलाओ, गो जी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आ गई मैं तो छा गई। ये जुमला हमने किसी का सुना है। अच्छा, उस वक्त जो है मुकद्दस जो है उठ गई थी, तो इसलिए हमें रोकना पड़ा। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अहमद ने मुझे वैलेंटाइंस डे पर क्या दिया, और ऐसा दिया, धक्का दिया, ऐसा इतना खौफनाक चीज़ दी कि मैं भैया वैसे तो अब मैं कभी नहीं बनाऊँगी। चलो ये हुई एक साइड पे, रखते हैं इस बात को। असल बात यह है कि हम वैलेंटाइंस डे को मनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें ये अंदर से वो चीज़ ही नहीं आती कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें। क्योंकि एक दूसरे से अगर हमें प्यार का इजहार करना है या कोई ऐसे बात अपनी फीलिंग बतानी है कि हम ये मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं या मैं इनके लिए कितनी ज़रूरी हूँ, वो हम हर रोज़ हर दिन किसी भी दिन बता सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इस दिन ख़ास दिन ही हम फूल दे के ही बताएँ या ये करके बताएँ वो करके बताएँ। मैं इस हक में नहीं हूँ और ये भी नहीं है। और मोस्टली हमारा जिस दिन ये खास दिन होते हैं उसी दिन हमारे जो है ऐसी कोई कड़ाकेदार लड़ाई तो होती नहीं है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ भी नहीं है कि हम उसी दिन तो फूल वगैरह दें और प्यार का इजहार करें। तो खैर प्यार का इजहार हम कभी भी कर सकते हैं, जैसे अभी भी कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जरूरी नहीं कि फूल दे के ही आप इजहार करें डेली पे। लेकिन जो है ना, क्या बोलते हैं, इस वैलेंटाइंस डे पर इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया कि इस के मैं ये कहती हूँ जितने लड़के हैं ना सब, अगर किसी को कुछ ऐसा गिफ्ट देना है तो वो यही गिफ्ट दें जो मुझे मिला। तो चले मैं आपको, खुद तो गए नहीं, मुझे डाल दिया। शुरू में आपने वो क्लिप तो देखा ही होगा भाई, गिफ्ट तो इसी के लिए था ना, मेरे लिए थोड़ी था, तो इन्होंने मुझे थोड़ी दिया गिफ्ट। उसके आगे हुआ क्या वो आप देखें आगे चल के, और जब आप लोग देखेंगे और वो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। तो चलें सबसे पहले देखते हैं, फिर करते हैं थोड़ी बात। अल्लाह फिर। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन में, तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। तो मैं और मुन्ना जा रहे हैं जिप लाइन में, अहमद डरते हैं तो वो यहीं हैं। तो अल्लाह फिर, आप वहीं चले जाइएगा। तो भाई यहाँ से जाना है, ये कहाँ से बन गया, क्योंकि मुझे तो डर भी लग रहा है। मेरा बेबी ड्रिल छुड़वाए, मम्मा जी जान, मम्मा जी जान। पॉला बेबी की हो रही है यहाँ पे तैयारी।
जाने के लिए जिप लाइन में। ओके तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ, नुमान जा चुका है वहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रहा है सीढ़ियाँ चढ़ के, तो मेरी हालत ऊपर। बटन ही ना दब जाए मुझसे। सुने इसको पकड़ना या नहीं पकड़ूं? नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, मर्जी है। वो तो नहीं पकड़ा हुआ था अभी, पक्का मैं नहीं गिरूंगी ना। अच्छा एक मैं खुद आती हूँ, फटाफट ऐसे नहीं जा सकते, फिर डरोगे तुम, ये तो मैं ऐसे जब। हाँ मैं कर रही हूँ पहले। अच्छा इसको पकड़ूं या नहीं, आपकी मर्जी है ना मेरी। अंकल कुछ होगा तो नहीं भाई, अगर मुझे कुछ और बाद में फोन मिले तो इनको देख लो। पक्का ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बस से बैठ जाओ ना, रुके पहले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डर लग रहा है मम्मा। ऊपर खड़े हो जाए, ऊपर खड़े हो जाए। आजू 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 गॉड। ओ भाई किसी को खुदकुशी ट्राई करनी हो ना, मरना हो तो पहले इस पे आए, उसके बाद कैंसिल कर देंगे वो लोग। गॉड फाइनली चीखो पुकार के बाद कहाँ जाना है, ये तो निकाल दे। देखा आपने, मैं बिल्कुल नहीं डरी ना, मैं कुछ चीखी ऐसे ही बोलूंगी ना, ये थोड़ी बोलूंगी कि मेरी हालत मरने वाली हो गई थी। शुक्रिया भाई, बाबा हो गया यहाँ से आऊँ। हाँ। भाई ये देखें कितना अच्छा गेट बनाया है इन्होंने, यहाँ से जाली तोड़ी हुई है और हमें यहाँ से झुक के ऐसे बाहर निकलना होगा। और बताओ नुमान कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत मजा आया। मेरे तो आंसू भी आ गए, मेरे घर जान में गई मैं कभी अहमद। हाँ, तो आपको डर नहीं लगता? यार अब बच्ची हो गई है ना, बच्ची के बाद डर लगता है। अल्लाह बहुत बुरी हालत हुई है भाई। मुझे आप लोग तो बहुत मजा आया, मैं तो उल्टा होके जा रहा हूँ। हाँ हाँ मजा, मैंने तो मैं देखा तो यूं हूँ। नहीं मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं बिल्कुल नहीं डरी ना मैं चीखी। आप लोगों ने देखा मैं बिल्कुल नहीं चीखी। सिर्फ मुझे ये भी डर था कि रस्सी पकड़ूं कि मोबाइल पकड़ूं, लेकिन उन्होंने कहा था हमने आपको इतना मजबूत पैक किया हुआ है कि आप ना ही भी पकड़ेंगी रस्सी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दो। तो ये थी हमारी, क्या नाम था यार इसका, जिप लाइन। ठीक है हल्का कर देना चाहेगा तो दोबारा 1 2 3 स्टार्ट। तो देखा आपने गाइस कैसा सरप्राइज दिया मैंने इसको, मजा आया आप लोगों को देखने का। आप लोग यकीन, पता है मुझे क्यों मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हुई? एक तो सीढ़ियां इतनी ज्यादा थी, वो चढ़कर ही मेरी तो आधी जो है ना सांस वांस मेरा सारा फूल गया था। और मुझे सिर्फ ये डर लग रहा था कि मैं सही सलामत अपनी बच्ची से अहमद से दोबारा मिल भी लूंगी कि नहीं। यार अंधेरा घुप, चलो दिन का टाइम होता है एक अलग बात थी, अंधेरा घुप। और जब मैंने ऊपर से नीचे देखा मैंने कहा घर में यहाँ पर मैं वेट मैं इसमें मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं एक दफा दिन में जरूर जाऊंगी अब, क्योंकि रात में गई हूँ ना मुझे तो ऐसा लग रहा था बस मैं खुदकुशी करने वाली हूँ। पता है जिन लोगों के जहनों में होता है ना यार जिंदगी से तंग आ गया हमें खुदकुशी करनी है, तो एक दफा ना इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है? उसके बाद वो खुद ही कैंसिल कर लेंगे कि नहीं भैया जिंदगी हमारी प्यारी है। ट्राई भी किया लेकिन सच में ना मेरी डर के मारे हालत बहुत खराब हुई हुई थी, बहुत ज्यादा। और जब मैं नीचे आई हूँ, नीचे आने के बाद इनका फोन आया, निदा तुम कहाँ पर हो, यहाँ तो हो ही नहीं।
मैंने कहा कि मैंने फोन ही नहीं उठाया, मैंने ना उसको नुमान को बोला और मैं एक मिनट सब बोले दोबारा, तो मैं उसको घंटों से वहां ढूंढ रहा था कि किधर गई किधर, क्योंकि जब भी जब नींद रही थी ना तो उस टाइम पे मैं देख रहा था वहां पर ही, मैं जब वहां पहुंचा हूँ थी नहीं वहां पर। अब मैं वहां पर गया हूँ जगह पे जाके मैंने देखा अभी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, फिर वापस आके मैं आधे रास्ते में आ गया, फिर मैंने फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। तो उस्मा जी का जो बेटा है वो माशाल्लाह से 13 साल का बच्चा, वो दिखने में ऐसा लगता है बड़ा बड़ा लेकिन वो 13 साल का है, और वो इतने मजे से ऐसे 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 गया उसमें, और मैं तो उसी मेरी हालत आप लोगों मेरी शक्ल देख कर ही अंदाजा हो रहा होगा मैं कितना बुरा डरी थी, मैं तो अपनी बच्ची और अहमद को आवाजें लगा रही थी। दूसरा ये कि जो है ना इन्होंने फोन किया, मैंने उसके मुन्ने के हाथ में दे दिया, मैंने कहा तुम उठा लो फोन ना बोलो ऐसे गिर गई मैं, तो ना उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला वो ना गिर गई एंड में आते आते, अब इन्होंने एंड ही नहीं देखा था शुक्र है कि मैं कहाँ जाके उतरी, ये पहुंचे नहीं थे, तो जब इन्होंने बोला कि मैं गिर गई तो डर गई ये कि कह रहे हुई हो कहाँ जगह तो बताओ, मैं तो खुद वही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहे हो कहाँ, मैंने कहा यार बता दो सच पता नहीं कुछ हार्ट फेल ना हो। नहीं नहीं उसका फोन आया था ना मुझे भी कह रहा था किधर हो, मैंने कहा किधर हो आप लोग, तो कह रहे हैं कि वो निदा का जो है पाँव में फ्रैक्चर आ गया, वो गिरी है नीचे आके तो झूला टूट गया था उसका तो नीचे गिर गई, मैं कहा किधर हो वहाँ पर, मैं तो उधर ही हूँ, कह रहे हैं नहीं हम उधर ही हैं पीछे उसके बैठे हुए हैं, मैं वापस गया हूँ चल के वहाँ तक तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर बाद में मुझे दोबारा कह रहा है हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो मजाक कर रहा था मैं। ऐसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरूर बताइएगा, और किस किसने ट्राई किया है वो भी बताइएगा, किस किसने ट्राई नहीं किया है वो जरूर करना, मेरी तरफ से जरूर कहूंगी कि करें। तो भाई आप जो अपने बीवियों से बहुत मोहब्बत करते हैं वो अपनी मोहब्बत इजहार करें इस तरह जाकर दिखाएं और खूब इंजॉय करें, तो आप हमारे साथ इस तरह बने रहिए, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली आपको वीडियो मिल जाए। अच्छा जो हम ये कहते हैं ना कि लाइक करें शेयर करें, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइक करने से जो है ना हमें खुशी होती है कि भाई आप जो है हमें पसंद करते हैं, और शेयर करने से ये होता है कि आप और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ वो भी देखें, और कमेंट करने से तो हमें पता चलता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे और अपने कमेंट्स में इजहार करते हैं, और सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि भाई आप हमारी फैमिली के हिस्से बन गए हैं, क्योंकि आप हमें देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप हमारा फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। पूरी स्पीच तैयार करके लाए हैं तो कहीं से, तो भाई बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे फैमिली में हिस्सा बन जाए बनेंगे, तो बताए से घंटी तो बजनी चाहिए जब आप घर में आए तो इसलिए ओके अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने कल के व्लॉग में, कल बहुत खास व्लॉग होने वाला है दावत का, क्योंकि हमारे घर आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे से गेस्ट, तो वो हम बात करेंगे कल ही, तो कल का ब्लॉग देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।